आज गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है उसके संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाहर उत्तरी में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ठीक दक्षिण के अंदर गंगा यमुना सतलुज ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है। इसके ऊंचा उच्च इसका ढाल और इसके संबंध में आपको बहुत जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जो मैदान है ये मैदान एकदम समतल प्राय मैदान है जो उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसके दक्षिण के अंदर प्रायद्वीप के पठार है और ये पूरा का पूरा ही गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और इस मैदान की पार्ट की जो चौड़ाई है वो है 150 से 500 किलोमीटर के मध्य की चौड़ाई है। ये जो मैदानी भाग है इस मैदानी भाग का धरातल बहुत ही मंदा ढाल है अर्थात प्रति किलोमीटर 25 सेंटीमीटर ही इसका ढाल है, बहुत कम ढाल है और सबसे अधिक इसकी जो चौड़ाई है इसका जो मुख्य मुख्य जो राज्य है उसके अंतर्गत जो पंजाब का भाग है, पंजाब राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का थोड़ा उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। ये पूरा जो मैदानी भाग है ये इसका विस्तार है, इसको चार मुख्य भागों में बांटा गया है, महाभारत, तराई, खादर और पागर, चार मुख्य भाग है इसके। नंबर एक महाभारत, नंबर दो तराई, नंबर तीन बांगर और नंबर चार खादर भाग है। बाबर वो प्रदेश कहलाता है जब हिमालय पर्वत से जो नदियां हैं, जो सदा नीरा नदियां हैं हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप के पठार की कुछ नदियां हैं, इनके दोनों को मिला, दोनों से ही मिलकर और पूरा का पूरा विस्तृत मैदान बना हुआ है। ये जो भाग है महाभार प्रदेश वो प्रदेश कहलाता है जब हिमालय पर्वत से नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर बड़े बड़े शिलाखंड लेकर आती है, लेकिन ढाल मंद होने के कारण मैदानी भाग में इनको निक्षेप कर देती है। तो निक्षेप करने से जो भाग होता है वो ऊपर का भाग कुछ टीले रूप में बन जाता है जिसको भाबर प्रदेश कहते हैं। और यही भाग जो है ऊपर से देखने पर कभी भी नदियां का जल दिखाई देता है बल्कि पत्थरों शिलाखंडों के नीचे से जल नीचे प्रवाहित होता रहता है, वो भाग कहलाता है भाबर प्रदेश। विशेष रूप से जो सिंधु है, सतलुज है, गंगा है, यमुना है, कोसी है, ये आदि जो नदियाँ हैं और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में है चंबल है, केन है, बेतवा है, सोन है, जो ये नदियाँ का जो प्रभावित होती है इनमें ही यह कुछ भाग जो है उत्तरी भाग में हिमालय के ठीक पतस्थली भाग को भाबर प्रदेश कहते हैं। अब इसके ठीक तीसरा दूसरा जो भाग आता है वो त्राई भाग आता है। त्राई वह भूभाग कहलाता है जो दलदलीय भूभाग होता है अर्थात नदियाँ जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे अपने साथ में लाई हुई काम मिट्टी और प्लस छोटे छोटे शिलाखंड विकसित कर देती है, ये पूरा का पूरा विस्तार का दलदलीय भूभाग बन जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार, विभिन्न प्रकार के पादप का विकास हो जाता है, मच्छरों का अधिक से अधिक बोलबाला रहता है। ऐसे भूभाग को अपन क्या कहते हैं, त्राई भाग कहते हैं। इस त्राई भूभाग का जो भाग है ये विशेष रूप से जब भारत
बांदर का तात्पर्य होता है कि ये बांदर प्रदेश और खादर, बांदर और खादर जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग का पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। बांदर वो भाग कहलाता है जो प्राचीन जलोढ़ के विक्षेपित क्षेत्र है, अर्थात वो डिब्बे या टीले जो ऊंचाई वाले भाग है, जहाँ कभी कभी जो बाढ़ का पानी पहुँचता है तो नवीन जो मिट्टी बाद में काफ़ी वर्षों बाद में जमा होती रहती है, यानी कि बाढ़ वाले भाग के दिनों में ही कभी कभी कुछ वर्षों के अंतराल पर बाढ़ के समय ही यहाँ पर नदियों का जल पहुँच पाता है। अगर प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी के भाग है उनको बाढ़ कहते हैं। इसी प्रकार से खादर वो भाग प्रदेश कहलाते हैं जो मैदानी जो भाग है उसके मैदानी भूभाग के दौरान नीचे वाले जो भाग है गड्ढे हैं, वहाँ प्रतिवर्ष नदियों का पानी जाता है, बहता है और जलोढ़ मिट्टी निक्षेप करता है, इसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी के काम के क्षेत्र, उसको खादर कहा जाता है। इस प्रकार से बाबा तराई बांदर और खादर भाग कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक और है कि हरियाणा के पास है अम्बाला, अम्बाला जो भाग है यह अम्बाला भाग जल विभाजन का काम करता है। जल विभाजन का तात्पर्य यह है कि इस अम्बाला वाला भाग से ही पूर्वी भाग में जो जल बहकर गंगा सतलुज सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों का जो जल बहता है उसी में ये प्रवाहित हो जाता है और अम्बाला के बाद में इसका विभाजन होकर पाकिस्तान में जो भी पानी का जो बहाव होता है वो पाकिस्तान में चला जाता है, आसाम में चला जाता है। जो जितनी भी नदियाँ हैं ये प्रवाहित होकर सीधी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है, ये सबसे बड़ा विश्व का बड़ा डेल्टा है। पंजाब सिंध प्रांत का विस्तृत भाग में आ जाता है और इस प्रकार से ये पश्चिमी भाग कहलाता है जो पाकिस्तान का कुछ भाग चला जाता है। पूर्वी भाग के अंतर्गत ये जो उर्वर आर्द्र और समतल भूभाग है जो लगभग 3.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा विस्तृत जो मैदान है इसका लगभग 10 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैदानी भाग में अलग अलग भाग में ये उसको बांटा गया है। तो इसी प्रकार से एक है ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र नदी जब आसाम में यानी कि नामचा बारवा एक पर्वत है वहाँ से 90 डिग्री का काट करके और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही घूमती है तो यहाँ आसाम में एक बहुत बड़ा समतल प्रह मैदान बनाया है जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी जो सबसे विस्तृत मैदान भारत का इसका निर्माण वर्षों से यानी कि जो हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीप की पठार की नदियाँ अपना निक्षेपण कर करके धीरे धीरे इस समतल प्राय मैदान का निर्माण किया है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में यदि बहुत गहरा गड्ढा करते तो पत्थर नहीं नजर नहीं आता। उसका कारण क्या है, क्योंकि हजारों वर्षों से जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब से लेकर और अब तक भी इस भाग में जलोढ़ मिट्टियाँ टाप मिट्टियाँ निक्षेपित होती गई और इसी कारण से इस भाग में सबसे अधिक मात्रा में पानी की बहुलता भी पाई जाती है, क्योंकि सारी सभी नदियाँ हिमालय से निकलती है, हिमाद्री जो भाग है हिमालय का वहाँ से निकलती है, अतः सदा नीरा होती है, बाहर नहीं तो इनमें जल रहता है। अतः इस पूरे का पूरा मैदानी भूभाग के अंदर कम गहराई के ऊपर भी पानी की मात्रा खूब मात्रा में निकलती है, अतः याद कैसी बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है, क्योंकि जो नवीन काम मिट्टी के मैदान भाग है जो नवीन काम में खाद आते ही इन खाद भूभाग में भी क्या होता है, जूट का पैदावार सबसे अधिक होती है, यानी कि जूट जो है उन्हीं क्षेत्र में होता है जहाँ पर कि जो खाद भूभाग है जो नवीन काम मिट्टी मैदान में
जहाँ मिट्टी के मैदान है वहाँ खादर खादर अल्फाज नहीं जूट का पैदावार होता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैदान का देखा जाए तो ये इसका पश्चिम में इसकी चौड़ाई जाता है, पूर्व में धीरे धीरे सखा हो जाता है और एक बच्चा का डेल्टा बनाता है और पूरे का पूरा इसका ढाल प्रति वर्ग किलोमीटर केवल मात्र 25 सेंटीमीटर ही इसका ढाल है, ढाल बहुत ही मंदा है। तो इस प्रकार से उत्तरी भाग का जो सब गंगा और मैदान उत्पन्न होता है।